उद्धव ठाकरे के नए मंत्रिमंडल में अशोक चव्हाण भी शपथ लेंगे, लेकिन शपथ से पहले अशोक चव्हाण पर ईडी का शिकंजा यहां पर कसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आदर्श सोसाइटी की जांच फिर से शुरू होने वाली है। अशोक चव्हाण को आदर्श सोसाइटी घोटाले के बाद सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं मंत्री पद की शपथ से पहले अब अशोक चव्हाण की मुश्किलें ऐसे में बढ़ सकती हैं। तो आदर्श सोसाइटी घोटाला मामला, जिसके चलते सत्ता से हाथ यहां पर अशोक चव्हाण को गंवाना पड़ा था, और अब कहीं ना कहीं ये मामला एक बार फिर से उजागर, क्योंकि जांच इस मामले को लेकर ईडी ने आदर्श सोसाइटी मामले को लेकर शुरू कर दी है। और ऐसे में शपथ लेने से पहले, क्योंकि कांग्रेस में से जो दो मंत्री शपथ लेंगे उनमें से एक नाम पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का भी है, तो ऐसे में शपथ लेने से पहले शायद ईडी की जांच जिस तरह से फिर से शुरू हो रही है वो शायद अशोक चव्हाण को मुश्किलों में डाल सकती है।